देश की सबसे बड़ी पावर टिलर उत्पादक, इसके नंबर्स आने वाले हैं सोमवार को, और यहाँ पर नंबर जो है काफी बेहतरीन साइड पर रह सकते हैं, क्योंकि आप पावर टिलर्स और ट्रैक्टर, इनके जो दो बड़े सेगमेंट्स हैं, यहाँ से इनकी दमदार जो वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई दिखी है, उससे इनकी आय में बहुत शानदार उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ ही जो एस्कॉर्ट्स के नंबर्स आए थे Q4 के, वहां पर इनके जो फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है वहां पर ग्रोथ देखने को मिली थी करीब 65 से 70%। तो कहीं ना कहीं उसको मैंने एक्सट्रापोलेट किया है और जो नंबर्स वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स में एक्सपेक्टेड है वो काफी शानदार हो सकते हैं। साथ ही अगर आप एफआईआईज की बात देखें और जो उनकी हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है मार्च 2020 से। आप देखिए मार्च 2020 में 4.31% हिस्सेदारी थी और वो बढ़कर अब 6.57% आती हुई दिखी, और तिमाही आधार पर भी जो नंबर्स हैं वो काफी बेहतरीन साइड पर एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट वहां पर काफी स्टेबिलिटी जो है हमें क्यू बेसिस पर भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अब नंबर्स पर अगर आप देखें तो यहां पर कंपनी जो है आय 120 करोड़ से बढ़कर करीब 205 करोड़ हम अनुमान करके चल रहे हैं, तो लगभग 70% की तेजी जो है यहां पर मैं फैक्टर इन करके चल रहा हूं। और कामकाजी मुनाफा देखें -6 करोड़ यानी कि घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है ऑपरेशनल फ्रंट्स पर, और 30 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। अब मार्जिन की भी बात करें तो 14.6% नेगेटिव मार्जिन के मुकाबले अब ये मार्जिन 14.6% पर आ सकते हैं, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 3.5 करोड़ का घाटे के मुकाबले अब करीब करीब 25 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। तो सभी पैरामीटर्स पर आपको नंबर्स जो है वीएसटी टिलर्स पर नजर रखनी है सोमवार को। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, वनडे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, और पिछले कई दिनों से स्टॉक में तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा कंजर्वेशन दिखा रहा है, वो वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक स्टॉक के अंदर बाय में बने रहे, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, जिसमें ऊपर में इमीडिएटली 2280 से 2300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और एक बार 2300 का लेवल ब्रेक हुआ तो 2500 से 2600 तक के लेवल वीएसटी टिलर्स में आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी की जा सकती है 2100 का नीचे में स्टॉक को सकाना होगा।